हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग यूजर्स मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे, यूजर्स को लिस्ट करेंगे और यूजर को रोल असाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। PHP आर्टिजन में कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर हाइफन आर। सो ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट मेथड्स के साथ में क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इंडेक्स मेथड में हम क्या करेंगे, यूजर्स को फेच करेंगे। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर अपना ब्लेड फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, न्यू फोल्डर यूजर्स। ठीक है, और यूजर्स फोल्डर के अंदर मैं दो फाइलें क्रिएट करूंगा, लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके, और एक फाइल हम यहाँ पर और क्रिएट करेंगे, एडिट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर यूजर्स इक्वल्स टू यूजर मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर लेटेस्ट मेथड, और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा पेजिनेट। पेजिनेट में यहाँ पर मैं पास करूँगा 10। सो यहाँ पर डॉलर यूजर्स में हमें यूजर्स का डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना व्यू कॉल करेंगे, रिटर्न व्यू यूजर्स डॉट लिस्ट। ओके, और इस व्यू में हम डॉलर यूजर्स को पास कर देंगे इस तरह से। ओके, अब इस ब्लेड फाइल में जाएंगे, तो अभी तो ये ब्लैंक है, तो मैं काम करूँगा, मैं जाऊँगा रोल्स फोल्डर में, लिस्ट ब्लेड को मैं करूँगा कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, और अब मैं जाऊँगा वेब डॉट पी एच पी फाइल में। यहाँ पर हमें कुछ राउट्स क्रिएट करने होंगे, तो मैं इन सभी राउट्स को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं इन सबको कमेंट कर दूँगा। यहाँ पर मैं चेंज करके इसे लिखूँगा यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़र कंट्रोलर। ओके, इंडेक्स मेथड, और इसके बाद यहाँ पर इस राउट का नाम होगा यूजर्स डॉट इंडेक्स। अब क्योंकि मैंने यूज़र कंट्रोलर को यूज़ किया, तो उसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, आप लोग भी कर लेना। सो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पर हमें लिखना है यूज़र्स। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ गया, क्योंकि हमने अपना ब्लेड फाइल मॉडिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर होगा यूजर्स। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर लिंक को भी लगा रहने देते हैं यहाँ पे। सो नेम, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे ईमेल, फिर यहाँ पर टाइम स्टैम्प। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्शन बटन। ओके, अब यहाँ पर हमें चेंज करके इसे लिखना है डॉलर यूजर्स। ओके, यहाँ पर होगा डॉलर यूज़र, यूज़र का आईडी, यूज़र का नाम, यूज़र का ईमेल। ओके, फिर यहाँ पर टाइम स्टैम्प, और इसके बाद यहाँ पर एडिट और ये डिलीट बटन है, जिनको मैं अभी के लिए कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पर पेजिनेशन के लिए डॉलर यूज़र्स लिंक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एरर चला गया है, और यहाँ पर हमारे पास दो यूज़र्स लिस्ट हो गए हैं, टेस्टिंग मोहित एंड मोहित सिंह। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिट बटन लेकर के आना है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने यूज़र मॉडल को यूज़ किया, तो उसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। सो अब चलते हैं एडिट मेथड में, और एडिट मेथड के लिए भी हमें एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना होगा। तो ब्लेड फाइल तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ये रहा वो ब्लेड फाइल। तो अब मैं काम करूँगा, मैं जाऊँगा फिर से रोल्स फोल्डर में, और यहाँ पर एडिट ब्लेड को मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एडिट ब्लेड के अंदर जो भी कोड है उसे मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, तो थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन हमें करना होगा यहाँ पे। अब इस ब्लेड फाइल को हम कॉल करेंगे कहाँ पर, एडिट मेथड के अंदर। कैसे, यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिखूँगा फाइंड और फेल, और इस डॉलर आईडी को हम इस मेथड के अंदर पास करेंगे फाइंड और फेल में।
तो यहाँ पर हमें डॉलर यूज़र में यूज़र का डेटा मिल जाएगा। अब इस डेटा को हम ब्लेड फाइल में पास करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ब्लेड फाइल कॉल होगा एडिट, ठीक है, यूज़र्स फोल्डर के अंदर एडिट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके, तो अब हम इस ब्लेड फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसे चेंज करके लिखेंगे यूज़र्स स्लैश एडिट, और इसके बाद यहाँ पर हम इसे चेंज करके लिखेंगे डॉलर यूज़र का आईडी, ठीक है, और हमें राउट भी डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेयर कर लेंगे हम लोग राउट बाद में, यूज़र नेम, ठीक है, और इसको हमें रिपीट करना होगा क्योंकि हमें यूज़र का ईमेल भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पर ईमेल, ठीक है, यूज़र का ईमेल यहाँ पर, और यहाँ पर फील्ड का नाम होगा ईमेल, एंटर ईमेल प्लेस होल्डर, ओके, यहाँ पर भी ईमेल होगा, ओके, और यहाँ पर भी ईमेल होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर परमिशंस, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें रोल्स को फेच करना होगा एडिट मेथड के अंदर, और उन रोल्स को हम यहाँ पर फॉर ईच करेंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर रोल्स इक्वल्स टू रोल मॉडल, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर बाई नेम असेंडिंग, और लास्ट में यहाँ पर गेट। सो यहाँ पर हम लोगों ने सभी रोल्स को फेच कर लिया है। अब इन सभी रोल्स को हम व्यू में पास करेंगे इस तरह से, ओके, और वापस से जाएंगे यहाँ पर। अब इसे चेंज करके हम यहाँ पर लिखेंगे रोल्स, और यहाँ पर होगा रोल वेरिएबल। अब यहाँ पर है हैज़ परमिशंस, तो अब हमें ये निकालना होगा कि यूज़र को कौन से रोल्स का परमिशन है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से अभी कट कर लेता हूँ, और कट करके यहाँ पर मैं इससे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसे हम लोग बाद में देख लेंगे। सो अब यहाँ पर होना चाहिए रोल, ओके, यहाँ पर होगा रोल का आईडी, ओके, यहाँ पर रोल एरे, ओके, यहाँ पर रोल का नाम, फॉर में यहाँ पर रोल, और यहाँ पर रोल का आईडी, और यहाँ पर लेबल में रोल का नेम दिखना चाहिए। तो यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है, और एक बार इसे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर एडिट बटन हमें शो करना होगा, और साथ ही साथ हमें राउट भी डिक्लेयर करना होगा। ओके, सो लिस्ट ब्लेड में जाएंगे, एडिट बटन को हम इनेबल कर लेंगे, तो एडिट बटन इतना मैं कट करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर होगा यूज़र डॉट एडिट, और यूज़र का आईडी हमें देना होगा यहाँ पर। अब इस नाम से हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पर होगा यूज़र्स डॉट एडिट, ठीक है। तो वेब डॉट पी एच पी में जाएंगे, और इस राउट को हम अनकमेंट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स स्लैश आईडी और स्लैश एडिट, और कंट्रोलर यहाँ पर कॉल होगा यूज़र कंट्रोलर एडिट मेथड, और इस राउट का नाम होगा यूज़र्स डॉट एडिट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अपना राउट डिक्लेयर कर लिया है, और लिस्ट ब्लेड में इसे यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो अब यहाँ पर एडिट बटन डिस्प्ले होने लगेगा। अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा, तो आप अगर यहाँ पर URL देखो, तो URL में क्या आ रहा है, यूज़र्स स्लैश यूज़र का आईडी, और लास्ट में एडिट, और ये जो आईडी आ रहा है, इस आईडी के बिहाफ पे हमने यूज़र का इन्फॉर्मेशन फेच किया, यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया है, ओके। और हमारे पास सिर्फ एक रोल है जिसका नाम है एडमिन, और वो रोल यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रोल और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे स्टाफ नाम से, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट आर्टिकल्स, एडिट आर्टिकल्स, व्यू आर्टिकल्स और डिलीट आर्टिकल्स का परमिशन दे देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ, तो यहाँ पर हमें दूसरा रोल ये दिखने लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से जाना है यूज़र कंट्रोलर में, और अब हमें अपडेट मेथड को यूज़ करना है, क्योंकि हमारे फॉर्म का सबमिशन अपडेट मेथड पे हिट होगा, ओके। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, यूज़र मॉडल में जाते हैं, और यहाँ पर हमें एक ट्रेट को यूज़ करना होगा। इस पार्टी में हमें एक ट्रेट को यूज़ करना होता है रोल असाइन करने के लिए, तो इस ट्रेट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इस तरह से यहाँ पर इसे
यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि इस ट्रेड को हमें यहाँ पर इस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो अब इसे क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद, यहाँ पर मेक मेथड रिक्वेस्ट ऑल, सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर नेम रिक्वायर्ड, और यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू सेट कर देते हैं, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का नेम होना चाहिए। ओके, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिक्वायर्ड फील्ड है ईमेल। ओके, सो ईमेल भी रिक्वायर्ड होगा, वैलिड ईमेल होना चाहिए, और यहाँ पर हमें एक रूल और देना होगा, यूनिक रूल, और यहाँ पर हमारा टेबल चेक होगा यूज़र्स, ठीक है, कॉलम होगा ईमेल, और यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन भी देना होगा, और एक्सेप्शन में हम ये डॉलर आईडी यहाँ पर पास करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रूल्स डिफाइन कर लिए हैं। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ डॉलर वैलिडेटर फेल्स। सो अगर फॉर्म में कुछ एरर्स हैं तो यूज़र को हम रीडायरेक्ट कर देंगे एडिट पेज पर विद एरर्स, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट यूजर्स डॉट एडिट डॉलर आईडी विद इनपुट विद एरर्स, और यहां पर हमें पास करना होता है डॉलर वैलिडेटर। अब अगर हमारे फॉर्म में कुछ भी एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूज़र का इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे और उसे जो भी रोल दिए गए हैं वो रोल असाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर यूज़र। अच्छा, एक काम और करना है हमें यहाँ पे, इसे भी हमें यूज़ करना है, क्योंकि अपडेट करते समय हमें ये ज़रूर चेक करना होगा कि यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो अब इस इंस्टेंस से हम यूज़र का इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर पाएंगे। तो नेम हमें अपडेट करना है, रिक्वेस्ट का नेम, ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल को भी अपडेट करना है, तो ईमेल अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर सेव मेथड। तो यहाँ तक हमारा नेम और ईमेल अपडेट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसे रोल असाइन करने हैं। तो रोल कैसे असाइन करेंगे, तो रोल असाइन करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पर डॉलर यूज़र ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक मेथड हम यूज़ करेंगे स्पार्टी का, सिंक रोल्स, ठीक है, सिंक रोल्स, और इसमें हम पास कर देंगे डॉलर रिक्वेस्ट का रोल फील्ड। ओके, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट लिया है रोल नाम से, और ये एरे टाइप से है, तो इस एरे को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है इस तरह से। तो इस तरह से यूज़र को रोल असाइन हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे इंडेक्स पेज पर, यूजर्स डॉट इंडेक्स मतलब लिस्टिंग पेज पर, और एक सेशन का मैसेज भी देंगे। तो यहाँ पर विद मेथड यूज़ करेंगे सक्सेस, और यहाँ पर यूज़र अपडेटेड सक्सेस फुली। ओके, सो अपडेट मेथड के लिए अब हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो इस राउट को हम अनकमेंट कर लेंगे, यूजर्स स्लैश आईडी, यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पर अपडेट मेथड यूज़ होगा, और इस राउट का नाम होगा यूज़र्स डॉट अपडेट। अब इसे कॉपी करना है और फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हमें यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो फॉर्म का एक्शन जो जाएगा वो इस राउट पर जाएगा, यूजर्स डॉट अपडेट पर, और साथ में यूज़र का आईडी भी लेकर के जाएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लेते हैं, नेम ठीक है, यूज़र नेम सही है, एंटर नेम सही है, यहाँ पर ईमेल ये भी ठीक है, ओके। इसे अभी हमें अपडेट करना होगा, ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर इस यूज़र को एडमिन रोल असाइन करता हूँ। अपडेट पर मैंने क्लिक किया, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, और फिर से मैं बैक करता हूँ, रीलोड करता हूँ। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन, ठीक है, और रोल्स एंड परमिशंस
यहाँ पर अगर मैं यूजर्स टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर इस यूज़र को टेस्टिंग मोहित को मैंने एडमिन रोल असाइन किया है। तो फिर से मैं अगर यहाँ पर जाऊँ मॉडल हैज़ रोल्स, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मॉडल आईडी 2 को, यानी कि यूज़र आईडी 2 को कौन सा रोल असाइन किया गया है, एडमिन रोल असाइन किया गया है। तो अभी यहाँ पर ये रोल चेक्ड आना चाहिए था पर नहीं आया क्योंकि हमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो क्या करना होगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एडिट मेथड में हमें यूज़र का रोल फेच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ रोल्स नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डॉलर यूज़र लिखूँगा और यहाँ पर मैं रोल्स रिलेशन को यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, रोल्स एरे से, तो यहाँ पर मैं प्लक लिखूँगा। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए आईडी। ठीक है, रोल का आईडी। तो अब हैज रोल्स में मुझे एक एरे मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ पर रीलोड करूँ तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये मुझे एक एरे मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे ये 3 आ रहा है जो कि एडमिन रोल का आईडी है। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं जाऊँ रोल्स में तो एडमिन रोल का क्या आईडी है, 3 है, तो वो ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओके। अब मैं क्या करूँगा, हैज़ रोल्स को मैं यहाँ पर इस तरह से पास कर दूंगा व्यू में। ओके, और अब इस हैज़ रोल्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको मैं लिख दूंगा हैज़ रोल्स और यहाँ पर होगा रोल का ये नेम हटा करके यहाँ पर आईडी कर देते हैं। ठीक है, और मैं अब इसे यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रोल असाइन किया होगा वो रोल यहाँ पर चेक्ड हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, हम एक यूज़र को एक से ज़्यादा रोल भी असाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और अपडेट करूँ, और यहाँ पर अगर मैं दोबारा से एडिट पेज पर जाऊँ, तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि टेस्टिंग मोहित को 2 रोल असाइन किए गए हैं, एडमिन एंड स्टाफ। ओके, अब मैं बैक पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये तो गलत रीडायरेक्ट हुआ, तो इसे चेंज करना होगा हमें यहाँ पर यूजर्स डॉट इंडेक्स। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ एडिट पे, तो अभी मोहित सिंह को कोई रोल असाइन नहीं किया गया, तो इसको भी एक रोल असाइन करके देखते हैं। अपडेट किया मैंने, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली और स्टाफ रोल यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर लिंक भी यहाँ पर दे देते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा लेआउट्स में, नेविगेशन में, और यहाँ पर से हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र्स। ठीक है, यहाँ पर यूज़र्स डॉट इंडेक्स और यहाँ पर भी होगा यूज़र्स डॉट इंडेक्स। तो यहाँ पर अपना एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब एक काम यहाँ पर और कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़र का रोल भी लिस्टिंग में दिखा सकते हैं। तो क्या करना होगा इसके लिए, मुझे एक काम करना होगा, लिस्ट ब्लेड में जाना होगा और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल्स। ओके, और इसके बाद ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डॉलर यूज़र रोल्स। ठीक है, और रोल्स के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लग। ठीक है, और यहाँ पर रोल का हमें नाम चाहिए, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इम्प्लोड मेथड, और इम्प्लोड मेथड में यहाँ पर कॉमा स्पेस। ओके, तो यहाँ पर अब हमें यूज़र का जो भी रोल हमने असाइन किया यूज़र को, वो रोल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एडमिन रोल और स्टाफ रोल इस यूज़र को असाइन किया गया है, और इस यूज़र को सिर्फ स्टाफ रोल असाइन किया गया है।
सो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र्स को लिस्ट कर दिया है और यूज़र को रोल भी असाइन कर दिए हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।